कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के बीच बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन पढ़ाई बेहद जरूरी है और बढ़ते हुए तकनीकी के दौर में बच्चे पढ़ाई से अछूते न रहें, इसके लिए गाजियाबाद में स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। ऑनलाइन क्लासेस देती अध्यापिका इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल की है। मैनेजमेंट का निर्देश हुआ और उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। यह महिला टीचर बच्चों की क्लास लैपटॉप पर बैठकर ले रही हैं। लैपटॉप पर कई विंडोज खुली हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं और अपनी अपनी समस्याएं पूछ रहे हैं। छात्रों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। छात्र अपने सवाल भेजते हैं और टीचर उनका सोल्यूशन करती है और फिर ऑनलाइन उन्हें समझाती है। बच्चों को किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ मिल रहा है, इन छात्रों से सुनिए। और आजकल क्वारंटाइन की वजह से हम सभी का घरों से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया है, पर ऐसे समय में हमारे स्कूल ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया ऑनलाइन क्लासेस का। जूम ऐप के जरिए हम सभी से शेड्यूल शेयर कर दिया गया था। ऑनलाइन क्लासेस सुबह शुरू होते हैं और दोपहर तक चलते हैं। यूजुअली एक दिन पहले टीचर्स हमें लिंक भेज देते हैं असाइनमेंट्स के और जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे अगले दिन, हम आसानी से वो टॉपिक पढ़ लेते हैं। अगर हमें कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है अगले दिन हम टीचर से आसानी से डिस्कस कर पाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक के चलते हमारा पूरा देश लॉकडाउन में है, इस वजह से हमारी पढ़ाई भी रुक गई थी, लेकिन हमारे स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस लेने का एक इनिशिएटिव लिया है जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लाइव क्लास का रिसोर्स मटेरियल हमेशा एक दिन पहले आ जाता है। इसके अलावा भी हमारे टीचर्स खुद की बनाई हुई वीडियोस, असाइनमेंट्स और टेस्ट से हमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में हेल्प करते हैं।